वेलकम बैक टू माय चैनल बी एड क्लासेस। देखिए जो हमने अभी जस्ट अभी जो किया है टेक्स्ट बुक मैथड, इसकी मैंने आपको विनोद की बुक से वीडियो शेयर की है, जो वो अपलोड की है वो देख लीजिएगा। आप जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं ये भी आप देख लीजिएगा। टेक्स्ट बुक मैथड के ऊपर से डॉक्टर बेस्ट मैथड भी बोलते हैं, रीडिंग मैथड बोलते हैं, डॉक्टर मिचुअल बेस्ट ने दिया था तो देख लीजिएगा। इधर ये ट्रेनिंग कॉलेज इन ढाका, ढाका का स्पेलिंग ऐसे भी होता है, कभी कभी डी एस डबल सी ई रखा भी होता है। ये फीचर्स हैं टेक्स्ट बुक मैथड के, ये भी देख लीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ टेक्स्ट बुक मैथड क्या क्या हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, ये भी देख लीजिए। मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं खुद के, जो मैंने लाइब्रेरी की बुक से प्रिपेयर किए हुए हैं, देख लीजिए। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये आपको मच मोर सफिशेंट है बी एड के एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आपको सिलेक्टिव एग्ज़ाम होता है आपका, ऑब्जेक्टिव ना भी हो अगर सिलेक्टिव एग्ज़ाम होगा तो उसमें बहुत ही अच्छा मटेरियल है। मैक्सिमम आप 75 तक परसेंटेज आप सिक्योर कर सकते हो मेरे इन नोट्स से, क्योंकि बी एड में बहुत लिखना पड़ता है, जो वहाँ बहुत ही ज़्यादा लेंथी पेपर होता है बी एड का, इसलिए मेरा जो मटेरियल है आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा मटेरियल, आप अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें। अब नेक्स्ट वन देखिए, मेरिट्स ऑफ क्या मेरिट्स हैं, ये कुछ मेरिट्स हैं ये देख लीजिए टेक्स्ट बुक मैथड के। दिस मैथड कंसेंट्रेट ऑन डेवलपिंग रीडिंग एबिलिटी, इंफेसिस ऑन साइलेंट रीडिंग, एनकरेज कंपैरिजन, ये कुछ मेरिट्स हैं। देन आ गया डीमेरिट्स ऑफ टेक्स्ट बुक मैथड, ये डीमेरिट्स हैं। विद इन 15 डेज तक मैं अपना फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट कर ही दूंगी, मेरा नेट पैक नहीं ख़त्म होना चाहिए। अगर नेट पैक ख़त्म हो गया तो फिर तो नहीं हो सकेगा। अब इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक मैथड, जो इंट्रोडक्शन है स्टार्टिंग में डालनी है। अगर आपको एग्जाम में आता है टेक्स्ट बुक मैथड, पहले इंट्रोडक्शन देनी है, फिर फीचर्स, प्रिंसिपल्स, फिर मेरिट्स और डीमेरिट्स देने। इंट्रोडक्शन जो ये आपको पहले देनी पड़ेगी, ठीक है। ये शायद किसी बुक से मिला होगा तो लाइब्रेरी से मैंने यहाँ नोट कर दिया वो लास्ट में, तो ये यहाँ तक है। आई होप आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगता हो, अगर अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, ठीक है। एक लाइक तो बनता है मेरी, इतनी हेल्प जो मैं आपकी कर रही हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, किसी की मेहनत के ऊपर एक लाइक तो जरूर बनता ही बनता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।